गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सब लोगों का टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले लास्ट क्लास हमने बनाई थी टाइम एंड वर्क का डे वन, जिसमें हम टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक पार्ट सीखा था। अब अपन चलते हैं इसी में, आज सेकंड डे पर इसी में कंटिन्यू करते हैं। हमने जो फर्स्ट क्लास में सीखा था उसी कंसेप्ट को, और आगे उसमें कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हमारे पास है टाइम एंड वर्क की डे टू क्लास, सेकेंड डे की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसको। देखिए, हमने सबसे पहले फर्स्ट डे जो चीज़ें सीखी थी, फर्स्ट डे जो हमने चीज़ें सीखी थी, तो बेसिकली हमने क्या सीखा था, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, हमारे पास जितने भी डाटा होते हैं उन सब का क्या होता है, एलसीएम होता है। सेकेंड हमारे पास क्या निकालते हैं हम लोग, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, कार्यक्षमता। और थर्ड हम लोग निकालते हैं टाइम। टाइम हमारे पास होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीज़ें फाइंड करते हैं। ये हम लोगों ने निकालनी सीख ली थी कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। हमें जो भी डाटा दिया होता है, टोटल वर्क क्या होता है, उन सबका एलसीएम होता है। सेकेंड हम लोग निकालते हैं एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। एफिशिएंसी कार्यक्षमता जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, ए वर्क ऑफ यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया काम, इकाई समय में किया गया काम, ये हमारे पास क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। और थर्ड हम लोग निकालते हैं टाइम। टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अब देखो, इसी चीज को सीखते हुए अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो आज का अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा वो क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोगों ने शायद लास्ट क्लास में कर रखा होगा, है ना। चलिए, ताकि हमें पूरा सब पहले से रिमाइंड हो जाए। देखिए, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता है और बी उसी काम को 30 डेज में कर सकता है, तो हमें बताना है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। चलिए कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी इसी काम को 30 डेज में करता है। ये हमें क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, हमें बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। सबसे पहला काम हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क। तो देखो, हमारा टोटल वर्क कैसे निकालें, 20 और 30 दोनों में से बड़ा नंबर 30, 30 में 20 का डिवाइड नहीं जा रहा, 30 का डबल करा 60, क्या 60 में 20 का भाग जा रहा है, जा रहा है, तो टोटल वर्क क्या आ गया, 60। अब 60 हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में पेड़ माना था, ट्री माने थे, तो यहाँ भी हम मान लेते हैं कि हमें 60 ट्री लगाने। ए 20 डेज में अगर 60 ट्री लगाता है तो ए की एफिशिएंसी 3, बी 30 डेज में 60 पेड़ लगाता है तो उसकी एफिशिएंसी 2, दोनों की टोटल एफिशिएंसी क्या आई, 5। तो दोनों इस काम को कितने टाइम में करेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60/5, 12 डेज में, ये हमारा आंसर आ गया। दोनों इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा टाइम एंड वर्क का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, आज हमने इसको रिमाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले अपन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, बी इसी काम को 20 डेज में कर सकता है, हमें बताना है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहला कह रहा है ए काम करता है 10 डेज में, बी काम करता है 20 डेज में। सबसे पहले हम यहां से अगर टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क क्या हमारे पास 20 आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी हम 2 कह पाएंगे, बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, और दोनों की टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 3। तो दोनों का टाइम क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 20/3 या 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/2/3 दिन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपको अगर 20/3 को 6/2/3 लिखने में दिक्कत आती हो, तो हमें 20 में 3 का डिवाइड करना है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा 6 पर, 18, 20 में से 18 गए तो क्या बच गए, 2, तो रिमाइंडर क्या आया, 2, तो पूरा पूरा डिवाइड कितनी बार गया, 6 पर।
रिमाइंडर है टू, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, थ्री से। तो हमने क्या लिख दिया, छः से ही दो बटा तीन दिन। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, हमें सिर्फ टोटल वर्क, एफिशिएंसी और टाइम, ये तीन ही चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। अगर हम ये तीनों चीज़ें निकाल लें बड़े आराम से, तो हम क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाते हैं। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालनी होती है, फिर क्वेश्चन हमसे जैसे ही डिमांड करता है, जैसा हमें आगे डाटा देता है, उस हिसाब से अपन यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 24, 6 और 12 डेज में कर सकते हैं, तो हमें बताना है वो तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। देखिए ए बी सी थ्री पर्सन है, ये किसी काम को 24, 6 और 12 डेज में कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग यहां पर टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क हमारे पास क्या आएगा, 24, क्योंकि इन तीनों में से बड़ा नंबर 24, 24 में 6 का भी डिवाइड जा रहा है, 12 का भी भाग जा रहा है, तो टोटल वर्क क्या जाएगा, 24। नेक्स्ट अपन निकालते हैं एफिशिएंसी। देखिए आप लोग सब लोग जानते हैं कि टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहां से अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए हो, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क में हमेशा टाइम का डिवाइड करना होता है, तो 24 में 24 का डिवाइड करा क्या आया, 1। 26 डेज में 24 पेड़ लगाता है, तो 24 में 6 का डिवाइड करा क्या आया, 4। और 24 में 12 का डिवाइड करा, 2। हमें बताना है तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 7। तीनों इस काम को कितने टाइम में करेंगे, 24/7 टाइम होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 24/7 या 24 में अगर मैं 7 का डिवाइड कर दूं, तो ये देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 सही, 3/7। 24 में 7 का डिवाइड करा तो क्या लिख दिया, 3 सही 3/7। तो हमारा आंसर क्या गया, ऑप्शन सी। चल सकते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहीं आपको कोई डाउट हो, कोई बात नहीं पता लगे, तो आप मुझे बता सकते हैं, अपन उस चीज़ को दोबारा समझ लेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन लोग। हमें कह रहे हैं एक पर्सन कैन डू ए वर्क इन 5 डेज, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू द वर्क इन 3 डेज, इन हाउ मेनी डेज हिज सन कैन कंप्लीट द वर्क। हमें कह रहे हैं एक आदमी है, वो काम को 5 दिन में कर सकता है, और अपने बेटे की सहायता से उसने वह काम 3 दिन में कर लिया, तो हमें बताना है कि उसका बेटा अकेला इस काम को कितने समय में कर लेगा। मान लिया जो पर्सन था, जो आदमी था, उसका अगर अपन नाम ए मान लें और उसके बेटे का नाम बी मान लें, पर्सन का नाम ए मान लें और बेटे का नाम बी मान लें, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ए किसी काम को, सॉरी ये पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ए किसी काम को 5 डेज में कर सकता है बेटे के साथ मिलकर या बेटे की सहायता से। अगर मैं कोई काम आपकी मदद से करूँ, तो काम करने वाले कौन होंगे, आप और मैं दोनों होंगे। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ने कहा वह अपने बेटे की सहायता से इसे 3 दिन में करता है, इसका मतलब ए भी काम कर रहा है, उसका बेटा भी काम कर रहा है, दोनों मिलकर इस काम को कर देते हैं 3 दिन में। तो हमें बताना है उसका बेटा अकेला इस काम को कितने समय में कर लेगा। तो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला, 5 और 3 में से बड़ा नंबर 5 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, डबल करा 10 नहीं जा रहा, 3 गुना करा 15, क्या भाग जा रहा है, जा रहा है। तो टोटल वर्क हमने क्या कंसिडर कर लिया, 50। ये 5 दिन में 15 पेड़ लगाता है, तो रोज लगाएगा 3 पेड़। दोनों 3 दिन में 15 पेड़ लगाते हैं, तो दोनों लगाएंगे रोज 5 पेड़। तो बी रोज कितने पेड़ लगाएगा, 2। और बी अगर रोज 2 पेड़ लगाएगा, तो इस काम को करने में कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 15/2 या 7/1/2 डेज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/1/2 दिन। ये ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। क्लियर है भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। ये सारे बड़े इजी से क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में सीखे थे, सेम वैसे ही। बस लास्ट क्लास में जब अपन इन क्वेश्चंस को कर रहे थे, तो हमने सिर्फ डाटा लिखकर इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करी। आज यही क्वेश्चन आपके पास लैंग्वेज बेस्ड है,
तो आप इनकी लैंग्वेज को पढ़कर समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमें क्या करें। ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में कर सकते हैं, तो हमें बताना है सी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। ए बी सी तीनों किसी काम को 30 मिनट में करते हैं, ए और बी इस काम को 50 मिनट में करते हैं, तो हम लोगों को बताना है कि सी इस काम को कितने टाइम में करेगा। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग टोटल वर्क निकालें, तो क्या आपके पास टोटल वर्क 150 आ जाएगा। हम में से अब ज़्यादातर लोग बड़े आराम से इजीली टोटल वर्क निकालने लग गए होंगे और एफिशिएंसी निकालने लग गए होंगे। तो टोटल वर्क आया 150, तीनों की एफिशिएंसी आ गई 5 और ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3। अब तीनों ने 5 पेड़ लगाए, ए और बी ने 3 पेड़ लगाए, इसका मतलब जो सी है वो कितने पेड़ लगाएगा, 2, और सी इस काम को कितने टाइम में करेगा, 150/2, तो क्या आ जाएगा 75 मिनट। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। आज अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस करके देख लिए जो बिल्कुल बड़े इजी से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या करें, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, तो हमें बताना है बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अब देखो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए मैं आपको टाइम देता हूं 20 सेकंड का, आप देखिए इसमें क्या आंसर निकालते हैं। ज्यादातर लोगों का आंसर का जो ऑप्शन है वो सी आ रहा होगा, सी आंसर निकाल लिया होगा बहुत सारे लोगों ने। चलिए अपन चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या करे। हमें कह रहे हैं ए और बी मिलकर काम को 5 डेज में करते हैं, ए और बी दोनों ने मिलकर इस वर्क को 5 डेज में करा, ए अकेला इस काम को 8 डेज में करता है, तो हमें बताना है बी अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क क्या आ गया 40, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 8, ए की एफिशिएंसी क्या आ गई 5, तो बी की एफिशिएंसी क्या आई 3, तो बी इस काम को कितने टाइम में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 40/3, तो 13 सही 1/3 डेज, तो 20 काम को कितने टाइम में कर लेगा, 13/1/3 दिन में, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले, 7 नंबर क्वेश्चन करने से पहले अपन एक एग्जांपल के लिए 2 क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए ध्यान देना। अब अगर मैं कहूं ए और बी दो बहुत बढ़िया दोस्त हैं, दोनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमेशा सारा दिन साथ में पढ़ने आते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में बैठते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन अगर उनकी किसी बात पर लड़ाई हो जाए और लड़ाई इतनी भयंकर हो कि वो अब एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, तो क्या होगा, अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। तो पढ़ने की अगर बात करूँ तो एक दिन ए आएगा, जिस दिन ए आया उस दिन बी नहीं आएगा, उससे अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से अल्टरनेटिव डेज में आते रहेंगे, ए बी ए बी ए बी इस तरह से ही काम करते रहेंगे, कभी भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर शक्ल देख ली तो इनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी, तो ये एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। तो अब देखो इस पर बेस अगर अपन क्वेश्चन देखें कि हमें क्वेश्चन क्या कहेगा, कैसे हम इसको कर सकते हैं। अगर हमें कहा गया कि ए किसी काम को 10 डेज में करता और बी सी वर्क को 8 डेज में करता, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी सी वर्क को 8 डेज में करता है, अगर हमें कहा जाए ए स्टार्ट करता है वर्क को, ए स्टार्ट द वर्क, ए काम को स्टार्ट करता है और दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज, दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज, दोनों बारी बारी से काम करते हैं, तो हमें बताना है कि ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए टाइम एंड वर्क का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम आपका है टोटल वर्क निकालना, तो यहाँ से टोटल वर्क क्या 40 आ जाएगा, ए 10 दिन में 40 पेड़ लगाएगा, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 4, और बी 8 दिन में 40 पेड़ लगाएगा, तो बी की एफिशिएंसी 5,
ए की एफिशिएंसी हमारे पास 4 आई और बी की एफिशिएंसी 5। अब सबसे पहले दिन काम करने आया ए, तो पहले दिन ए आएगा और दूसरे दिन आएगा बी। पहले दिन ए लगाएगा 4 पेड़, दूसरे दिन बी लगाएगा 5 पेड़। तो 5 और 4 टोटल कितने पेड़ लगे? 9 पेड़। अब ये 9 पेड़ लग गए, एक दिन ए ने काम करा, एक दिन बी ने काम करा, तो ये 9 पेड़ लग गए कितने दिनों में? 2 दिन में। हमने 9 ट्री प्लांट कर दिए 2 डेज में। हमें बताना है कि टोटल 40 पेड़ कितने समय में लगेंगे। अब देखिए, 9 का हमें कोई ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 40 हो या 40 से कम। तो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36 और 9 फाइव जा 45। तो 9 फाइव जा 45 तो बड़ा हो गया, तो 9 फोर जा 36। तो अगर हम इसका 4 गुना काम करवाएं तो टाइम भी क्या 4 गुना लगेगा, तो 36 ट्री लग जाएंगे कितने दिन में? 8 दिन में। 36 पेड़ लग जाएंगे कितने टाइम में? 8 दिन में। टोटल पेड़ लगाने हैं 40, 36 ट्री हम प्लांट कर चुके हैं, तो प्लांट करने वाले कितने ट्री बचे? 4। अब ये 4 ट्री प्लांट करने कौन आएगा? यहाँ पर वही आता है जो काम को स्टार्ट करता है, तो यहाँ कौन आएगा? ए। अब वही क्यों आता है जो काम को स्टार्ट करता है? क्योंकि देखो, हमने सबसे पहले ए बी से काम कराया, 9 पेड़ लगवा दिए 2 दिन में। ऐसे कितने पेड़ से काम करवाया? 4 पेड़ से। फिर से नेक्स्ट जो नंबर आने वाला है वो किसका होगा? ए का। तो यहाँ पर वही आता है जो काम को स्टार्ट करता है। तो ए आया, एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, तो 4 में से 4 पेड़ उसने एक दिन में लगा दिए, काम पूरा हो गया, कोई भी पेड़ नहीं बचा। तो टोटल डेज हमारे पास कितने लग गए? 8+1, 9 डेज। तो ये कंप्लीट वर्क कितने दिन में हो जाएगा? 9 डेज में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कह पाएंगे हम? अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग चाहते ना तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम ऐसा भी लिख सकते थे कि पहले दिन ए आया फिर 4 पेड़ लगाए, दूसरे दिन बी आया फिर 5 पेड़ लगाए, फिर 4, फिर 5। इस तरह से हम इसको काउंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो आंसर 9 डेज आ रहा है। एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें 20 डेज आ रहा हो, 30 आ रहा हो, 40 आ रहा हो, तब हम इसको कैसे काउंट करेंगे? नहीं कर सकते, तब हमारे लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से सोल्व कर लेते हैं। और कई बार एडिशन करते वक्त अगर आप कोई वैल्यू जोड़ना भूल जाओ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हम हमेशा इसी मेथड को प्रेफर करते हैं। अब देखो, ये क्लियर हुआ क्या? अब इसी चीज़ को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अपन क्वेश्चन यही रखते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन में प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पहले हम ए से काम स्टार्ट करवा रहे थे, अब अपन बी से स्टार्ट करवा लेते हैं और इसी क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन का डाटा फिर से लिखूं कि ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता है और बी सी काम को 8 डेज में, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क क्या है? 40। हम निकाल चुके हैं पहले ही टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 5, इतना काम हम कर चुके। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहें कि बी स्टार्ट द वर्क, बी काम को स्टार्ट करता और दोनों बारी बारी से काम करते, तो अगर हम लोगों को बताना है कि ये काम कितने समय में होगा, तो सबसे पहले काम करने आएगा बी और फिर नेक्स्ट आएगा ए। पहले दिन बी कितने पेड़ लगाएगा? 5। दूसरे दिन ए कितने पेड़ लगाएगा? 4। तो दोनों टोटल कितने पेड़ लगाएंगे? 9। और दोनों 9 पेड़ लगाएंगे कितने दिनों में? 2 दिन। तो सबसे पहले 9 पेड़ लग गए 2 दिन में। पेड़ लगाने कितने हैं? 40। 9 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 40 हो या 40 से कम? 9 फोर जा 36, अभी हमने करा, तो हम इसका 4 गुना काम करवाएंगे, तो टाइम भी क्या होगा? 4 टाइम्स लगेगा, तो हम 36 पेड़ लगा देंगे कितने दिनों में? 8 दिनों में। 36 पेड़ हम लोगों ने लगा दिए 8 डेज में। टोटल पेड़ लगाने थे 40, 36 लग गए, तो लगाने वाले पेड़ कितने बचे? 4। अब ये 4 पेड़ लगाने सबसे पहले कौन आएगा? बी। यह वही आता है जो काम को स्टार्ट करता है, क्योंकि हम बी ए बी ए बी ए बी ए ऐसे 4 पेड़ से काम करवा चुके, तो अब नेक्स्ट नंबर फिर से किसका है? बी का। अब बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 5। जबकि हमें पेड़ कितने लगवाने हैं? 4। तो बी ए पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगा? टाइम हमेशा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो हमें 4 पेड़ लगवाने हैं, जबकि बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 4/5 डेज ले लेगा।
तो टोटल डेज हमारे पास कितने आ गए, 8 डेज हमें पहले लगे, 4 बाय 5 डेज ये हमें लगे, तो 8 प्लस 4 बाय 5 ये हम लिख सकते हैं 8 सही 4 बटा 5 दिन। 8 प्लस 4 बाय 5 लिखो या 8 सही 4 बाय 5 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि जब अपन डाटा इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब यही होता है, यहाँ एक छोटा सा हिडन सा प्लस होता है। तो 8 प्लस 4 बटा 5 लिखो या 8 सही 4 बटा 5, दोनों का मतलब एक ही है। और कई बार क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं दिया होता तो 8 प्लस 4 बटा 5 को सोल्व करके लिखा होता है 44 बाय 5 डेज। तो कई बार आंसर आपको इस तरह से भी दे सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने क्या करा, इनका एलसीएम ले लिया, 5, 8, 5 जा 40 प्लस 4, 44 बाय 5 डेज। क्लियर है क्या? तो अब हम क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, जो भी स्टार्ट करे स्टार्ट करवा लो उससे काम, फिर हम देख लेंगे कितना काम हो रहा है दोनों पेयर से, या तीन लोग हो तो तीनों के पेयर से, और बचा हुआ काम अपन इस अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, ये क्लियर हुआ, दोनों क्वेश्चन हम समझ पाए, अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, समझ है पक्का, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन है बड़ा इजी सा, ये रहा। हमें कह रहे हैं ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज, ए स्टार्ट द वर्क एंड द वर्क अल्टरनेटिवली, देन फाइंड आउट द व्हाट डे द वर्क कंप्लीट। कह रहे हैं ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी इसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ए के द्वारा स्टार्ट करते हुए वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो किस दिन काम पूरा होगा ये हमें बताना है। चलिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, हमें कह रहे हैं ए काम करता है 20 डेज और बी इसी काम को कर सकते हैं 40 डेज। तो सबसे पहला काम हम लोगों को फाइंड करना है टोटल वर्क, हम लोगों ने टोटल वर्क निकाला क्या आया 40, हमें कितने पेड़ लगाने 40। अब टोटल 40 पेड़ लगाने, ए की एफिशिएंसी निकाली 2, बी की एफिशिएंसी निकाली 1, ये हमारे पास आ गया। हमने सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल ली, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक सीखा उससे बड़े आराम से एफिशिएंसी और टाइम निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल ली। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन क्या करे, ए स्टार्ट करता है और दोनों बारी बारी से करते हैं, तो सबसे पहले ए आएगा और फिर नेक्स्ट बी आएगा, तो सबसे पहले दिन काम करने आया ए और नेक्स्ट डे काम करने आया बी। ए पहले दिन लगाएगा 2 पेड़, बी अगले दिन लगाएगा 1 पेड़, तो टोटल कितने पेड़ लगे 3। अब 3 पेड़ लग गए कितने दिनों में, 2 दिन, 3 पेड़ लग गए कितने दिनों में, 2 दिन में। टोटल पेड़ हमें कितने लगाने हैं 40, 3 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 40 हो या 40 से कम, 3 का अगर अपन 13 गुना अगर करेंगे तो वो क्या 39 होता है, 3 × 13 क्या होता है 39, तो हमें अगर इसका 13 गुना काम करवाना है तो टाइम भी क्या होगा 13 गुना लगेगा, तो हम लोगों ने 39 पेड़ लगवा दिए, 13 × 2 = 26 दिन, तो हमने 39 ट्री लगा दिए 26 डेज में, ये हमारे पास आ गया। अब हमें टोटल पेड़ लगाने थे 40, तो पेड़ लगाने वाला कितने बच गए 1, ये 1 पेड़ लगाने हमारे पास सबसे पहले कौन आएगा, जो काम स्टार्ट करता है वही आएगा, तो ए ने काम स्टार्ट करा, ए एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो 1 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगा 1/2 डेज, आधा दिन। टाइम हमेशा क्या होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क 1 है और ए की एफिशिएंसी 2, काम पूरा हो गया सारे पेड़ लग गए, तो टोटल कितने दिन लगे 26 एंड हाफ डेज। लेकिन क्वेश्चन ने हमें जो पूछा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट व्हाट डे वर्क कंप्लीट, किस दिन काम पूरा होगा, किस दिन, तो 26.5 दिन तो लगे काम को करने में, लेकिन ये जो दिन है ये कौन सा है 27वां, 26.5 दिन का मतलब ये कौन सा दिन है 27वां, तो 27th डे 27वें दिन हमारा काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है क्या, कर पा रहे हम इस क्वेश्चन को, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब देखिए इसी से मिलता जुलता अपन एक क्वेश्चन और करते, हमें क्या कह रहे हैं कि गंगा और सरस्वती
किसी काम को गंगा एंड सरस्वती कैन हार्वेस्ट ए फील्ड इन 8 आवर एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली. गंगा स्टार्ट द वर्क एट 9 AM, दे वर्क अल्टरनेटिवली एट वट टाइम द वर्क विल बी कम्प्लीटेड. हमें कह रहे हैं गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं. यदि गंगा के द्वारा पूर्वा 9 बजे कटाई स्टार्ट करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे की समय अवधि में कार्य करें तो पूरी कटाई का काम कब पूरा हो जाएगा हम लोगों को ये बताना है. तो देखिए ध्यान देना, सबसे पहले काम स्टार्ट करेगी गंगा और फिर आएगी सरस्वती, दोनों अल्टरनेटिवली काम करेंगे. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं अपन. सबसे पहले हमें जो डाटा दे रखा है उसकी मदद से हम यहाँ पर टोटल वर्क और एफिशिएंसी फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे. जैसा जैसा कहेगा हम वैसे वैसे करते रहेंगे. तो देखिए क्वेश्चन हमने देखा, गंगा जो है वो काम को कर सकती है 8 आवर्स में, और सरस्वती इसी काम को कर सकती है 12 आवर्स में. सबसे पहला काम हमने निकाला टोटल वर्क. टोटल वर्क क्या 24 आ जाएगा, गंगा की एफिशिएंसी 3 और सरस्वती की एफिशिएंसी 2. अब सबसे पहले सुबह 9 बजे गंगा ने काम स्टार्ट करा और दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि काम शाम को कितने बजे पूरा हो जाएगा. चलिए कोशिश करते, सबसे पहले काम करने आई गंगा और फिर नेक्स्ट काम करने आएगी सरस्वती. गंगा 1 घंटे में 3 पेड़ लगाती है, सरस्वती 1 घंटे में 2, तो दोनों मिलकर कितने ट्री लगाते हैं 5. दोनों ने ये 5 पेड़ लगा दिए कितने टाइम में, 2 आवर्स में. 1 आवर गंगा ने वर्क करा, 1 आवर सरस्वती ने वर्क करा, तो टोटल 5 ट्री लग गए कितने टाइम में, 2 आवर्स में. टोटल हमें जो ट्री लगाने हैं वो लगाने हैं 24. 5 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 24 हो या 24 से कम, इसका 4 गुना. तो अगर हम इसका 4 गुना काम कराएंगे तो टाइम भी 4 गुना लगेगा. तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 20 पेड़ लग जाएंगे कितने टाइम में, 8 घंटे में. 20 पेड़ लग गए 8 आवर्स में. हमें ट्री लगाने हैं 24, तो लगाने वाले पेड़ कितने बचे, 4. ये 4 पेड़ लगाने सबसे पहले कौन आएगा, गंगा. यहाँ वही आता है जो काम स्टार्ट करता है. गंगा 1 घंटे में कितने पेड़ लगाती है, 3. तो 4 में से 3 पेड़ गंगा 1 आवर में लगाती है और उसके बाद चली जाती है. 4 में से 3 लगाए तो लगाने वाले पेड़ बचे 1. ये पेड़ लगाने कौन आएगा, सरस्वती. सरस्वती हर घंटे 2 पेड़ लगाती है, तो 1 पेड़ लगाने में कितना टाइम लगे, 1/2 घंटा टाइम होगा. टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, अब टोटल वर्क करवाना है 1, इसकी एफिशिएंसी 2, तो 1/2 आवर्स लग जाएंगे. तो हमारा काम पूरा हो गया, सारे पेड़ लग गए, 1 में से 1 पेड़ भी हमने लगा दिया, अब कोई पेड़ नहीं बचा. तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम की अगर अपन बात करें 8 आवर्स ये लगे, 1 आवर ये लगा और 1/2 आवर्स ये लगा. तो हमें जो टोटल टाइम लगा 8+1+1/2, तो क्या 9 से 1/2 घंटे लग गए, 9.5 घंटे इस काम को करने में लग गए. तो हम इसको 9 आवर 1/2 आवर्स को अगर मिनट में लिखें तो क्या 30 मिनट लिख सकते हैं. तो हमें इस काम को करने में 9 आवर 30 मिनट लगे. हमने काम स्टार्ट करा था मॉर्निंग में 9 AM पर, इसको करने में 9 आवर 9 आवर्स 30 मिनट लग गए. तो अगर अपन इसका एडिशन करें, 9+9 क्या आया, 18:30, और 18:30 का मतलब क्या हुआ, शाम को 6:30 पर. तो हमारा वर्क जो है वो 6:30 पर कंप्लीट हो जाएगा. आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी. क्लियर है क्या, कर पा रहे. अब देखो इसमें जब हमने यहाँ करा तो हमारे पास ये 2 पोर्शंस बन गए. अब कई लोगों के मन में ये चलता है कि जो 4 पेड़ बचे थे वो सिर्फ गंगा से ही लगवा लें, लेकिन भाई गंगा 1 घंटे ही काम कर सकती है, उसके बाद उसको काम छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर कहा है दे वर्क अल्टरनेटिवली. अब इनको बारी बारी से ही काम करना है, 1 आवर से मैक्सिमम कोई काम इससे ज़्यादा एक साथ नहीं कर सकता. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन. ये क्लियर है सबको, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहे हैं.
ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 डेज में पूरा कर सकते हैं, ए इस काम को बी और सी के प्रत्येक तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा कर पाएगा। हमें कह रहे हैं ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। एवरी थर्ड डे फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ बी एंड सी इन हाउ मैनी डेज ए कैन कम्प्लीट द वर्क। चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा है उसकी मदद से अपन टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालते हैं। ए काम को कर सकता है 20 डेज में, बी कर सकता है 30 डेज में और सी कर सकता है 60 डेज में। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां फाइंड करा टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या आएगा? 60। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी हमारे पास क्या जाएगी? 1। ये हम लिख पाएंगे। हमने टोटल वर्क और इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। अब हमें कह रहे हैं ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में कर पाएगा। एवरी थर्ड डे फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ बी एंड सी। देखो काम किसको करना है? ए को। काम किसको करना है? ए को। लेकिन हर थर्ड डे इसकी हेल्प करने कौन आएंगे? बी और सी। हर थर्ड डे इस थर्ड डे इनकी हेल्प करने कौन आएंगे? बी और सी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ पहले दिन काम करने वाला ए अकेला होगा, दूसरे दिन भी काम करने वाला ए अकेला होगा, लेकिन तीसरे दिन ए की मदद करने कौन आ जाएंगे? बी और सी। ऐसा हमेशा चलता रहेगा। फिर फोर्थ डे काम करेगा, फिफ्थ डे ए, सिक्स्थ डे ए की मदद करने बी और सी आ जाएंगे। तो अब देखो सबसे पहले दिन ए कितने पेड़ लगाएगा? 3। अगले दिन फिर ए कितने पेड़ लगाएगा? 3। और उससे अगले दिन तीनों काम करेंगे, तीनों मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं? 6। तो हमारे पास टोटल कितने पेड़ लगे? 3 + 3 + 6 12 ट्री लग गए। कितने दिन में? 3 डेज में। 12 पेड़ लग गए 3 दिन में। हमें टोटल पेड़ लगाने हैं 60। 12 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 60 हो या 60 से कम, इसका कितने गुना? 5 गुना। इसका 5 गुना 60 होता है तो टाइम भी 5 गुना लगेगा, तो क्या जाएगा? 60 ट्री लग जाएंगे 15 दिन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, एवरी थर्ड डे फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ बी एंड सी। मतलब काम किसको करना है? ए को। लेकिन एवरी थर्ड डे ए की हेल्प करने को ना जाएंगे बी और सी दोनों। कह सकते हैं सब क्लियर है अभी क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर हम लोगों ने अल्टरनेटिव डेज का कंसेप्ट सीखा। ए स्टार्ट करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, या बी स्टार्ट करता है तो बारी बारी से करते हैं, या ए बी सी तीनों के अंदर बात करी। तो आप इसको बड़े अच्छे से पढ़ना, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आए, कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो के साथ PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास में अपन बाकी चीज़ें पढ़ेंगे।